दोस्तों आज मैं अपने गांव की कुछ प्रसिद्ध चीजें को दिखाने वाला हूं, तो शुरू करते हैं पानी की टंकी से। एक पानी की टंकी के बारे में आप लोगों को बता रहे थे, तो यहां देख सकते हैं पानी की टंकी बनकर पूरी तरह से तैयार है और यहां से सभी लोगों को हर तहत सभी लोगों को शुद्ध जल की व्यवस्था हो गई है। यहां से सभी लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा सभी लोगों को। तो देख सकते हैं पानी की टंकी इस तरह से बना दी गई है। इस पानी की टंकी को आप लोग देख सकते हैं इस तरह से पेंट भी हो चुकी, पानी भी आ चुका है। तो जल्द ही इस पानी की टंकी के माध्यम से हर घर जल की सप्लाई होना शुरू हो जाएगी। तो गाइस देखिए इस तरह से पानी की टंकी बना दी गई है और काफ़ी खूबसूरत और मजबूत भी। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण फतनपुर पेयजल क्षमता 150 किलो लीटर, स्टेजिंग 14 मीटर यानी 14 मीटर ऊंचाई पर है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर जिलों में इस तरह से पानी की टंकी सभी ग्राम पंचायतों में बनाई जा रही है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आजमगढ़ जिले के अंतर्गत मिर्जापुर ब्लॉक के अंतर्गत फतनपुर ग्राम पंचायत में यह पानी की टंकी बनाई गई है। इस पानी की टंकी की सहायता से पूरे ग्राम पंचायत वासियों को शुद्ध जल की व्यवस्था हो सकेगी और इस पानी की टंकी को जल्द ही शुरू करने का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो गाइस उत्तर प्रदेश सरकार की यह बहुत ही एक बढ़िया पहल है। हालांकि इसको चलाने का कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों से कुछ कारीगरों की कुछ अनुभवी लोगों को चुना जा चुका है, लेकिन अब देखते हैं कि इसको चलाने के लिए कौन चलाता है। जैसे कि कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जा चुका है, कुछ लोगों को इसके चलाने का तरीका भी बताया गया है और इसमें इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर और प्लम्बर जैसे कई लोगों को काम मिलने वाला है। और इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी इस पानी की टंकी के अंतर्गत काम लिया जाएगा। दोस्तों हमारे गांव का नाम है फतनपुर और हम अपने गांव फतनपुर में आए हैं। इस वक्त अपने गांव में जो बाबा साहब का पंडाल बनाया गया है गांव के लोगों के सहयोग से, हम आज उसको दिखाने वाले हैं आपको। तो आइए हम लेकर चलते हैं। बगल में फूल भी लगाया गया है, ऊपर देख सकते हैं तिरंगा झंडा लगा दिया गया है। तो गाइस हमारे ग्राम पंचायत का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान यहाँ बन चुका है और बगल में एक आप दुकान देख सकते हैं, इनका नाम रामसभा जी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को बहुत साफ सफाई करते रहते हैं। और इसी स्थान पर हर साल 14 अप्रैल का कार्यक्रम धूमधाम से सभी ग्रामीण मिलजुल कर मनाते हैं और इस स्थान पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम को देखने के लिए लोग दूर दूर से भी बाबा साहब की मूर्ति है और लगभग एरिया में बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है। पूरे एरिए में ऐसी मूर्ति कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। दिखा दो भैया, देख सकते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति बहुत ही सुंदर बनाई गई है और जो भी कलाकारी की गई बहुत अच्छे तरीके से की गई है और गांव वालों के सहयोग से इस मूर्ति को यहां पर स्थापित किया गया है। तो ये अभी अपना नाम बताएगी। हाय गाइस, मेरा नाम जानी राव है और मैं बाबा के पास हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पंडाल इस तरह से कुछ बनाया गया है। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने गांव के प्राइमरी स्कूल के पास। तो गाइस यह देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय फतनपुर शिक्षा क्षेत्र मिर्जापुर जनपद आजमगढ़, यह विद्यालय है और इस विद्यालय में बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और यहाँ देख सकते हैं गेट है, यहाँ पर सरकारी नल लगा दिया गया है और 4-5 कमरे भी हैं यहाँ पर और
यहाँ पर खाना बनाने की जो रसोई घर है अभी तक नहीं बन पाया है। हालांकि लोगों ने, यहाँ की टीचर और रसोइयों ने डिमांड किया है और हो सकता है कुछ समय में बन जाए। लेकिन दोस्तों, यह विद्यालय टूट चुका था और इस विद्यालय को फिर से निर्माण कराया गया और अब हद तक मजबूत बन गया है और यहाँ पर गांव के सभी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ बच्चे प्राइवेट विद्यालय में भी जाते हैं। तो गाइस, आपने देखा कि हमारे गांव का प्राथमिक विद्यालय कैसा है। और अब आइए हम चलते हैं अपने गांव के एक और स्थान पर, जो कि शौचालय बनाया गया है, सामूहिक शौचालय और सार्वजनिक शौचालय। इस शौचालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाया है और यह शौचालय हर ग्राम पंचायतों में बनाया गया है। दोस्तों, आज हम आइए अपने गांव में, आज अपने गांव में घुमाते हैं और हमारे गांव में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रसिद्ध चीज़ें हैं, सभी चीज़ आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और देखिए, इधर आइए, हम हमारे गाँव में शौचालय बनाया गया है। यहाँ पर गाँव के लोग शौच करने के लिए आते हैं। यह सरकारी शौचालय है और यहाँ पर के जो कि समूह की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसका देखभाल करती हैं। तो गाइस, देखिए, हमारे गांव में कुछ बच्चे घूमने के लिए आए हैं। आज संडे का आनंद ले रहे हैं लोग कि आज यहाँ पर बच्चे घूम रहे हैं गांव में, और घूम घूम कर गांव का आनंद ले रहे हैं। आइए, हम आपको अंदर की थोड़ी सी सीन दिखाते हैं। हमारे गांव का अंदर जा रहे हैं दोस्तों। इस पर एक छोटी सी टंकी लगा दी गई है। यहाँ पर सभी लोग शौच करने के लिए आते हैं। अपने बाइक के माध्यम से आप लोगों को अपने गांव की एक छोटी सी जगह दिखाएंगे। चलते चलते बाइक पर देखिए बैठे भी हैं और क्योंकि वीडियो भी बना रहे हैं, तो हम आपको अपने गांव की छोटी सी झलक 2 मिनट में आप लोगों को दिखा देंगे कि हमारे गांव का जो सीन कैसा दिखता है। सिंचाई से गेहूँ हरे भरे बने रहेंगे। तो आइए, हम अपने गांव के चलते चलते एक झलक देख लेते हैं। देख सकते हैं, इधर आलू बोया गया है और इधर देख सकते हैं अरहर बोई गई है। और दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने अपने गांव का छोटा सा झलक दिखाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, इसी तरह से हम नए वीडियो करेंगे।